दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया। भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार के पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। नितिन गडकरी ने कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में ये सिर्फ 91,287 किलोमीटर था। इसमें 44,000 से अधिक दो लेन राजमार्गों को 4 लेन में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी हुई है। 2013-14 में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 18,371 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर 44,657 किलोमीटर हो गई। गडकरी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। गडकरी ने NHAI के योगदान का भी उल्लेख किया, जिसने इस अवधि के दौरान 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। NHAI ने इस साल मई में 100 घंटों में 100 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे तैयार किया। ये ऐतिहासिक उपलब्धि उत्तर प्रदेश में बन रहे गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हासिल की गई। पिछले साल अगस्त में NHAI ने 105 घंटे में 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिन्स कंक्रीट की सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बीते 9 वर्षों में टोल से मिलने वाला राजस्व 4,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का इरादा टोल राजस्व को वर्ष 2030 तक 1,30,000 रुपए तक पहुँचाने का है। टोल संग्रह के लिए फास्टैग प्रणाली के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार करने का समय घटकर 47 सेकंड रह गया है। सरकार इस समय को 30 सेकंड के भीतर लाने के लिए कुछ और कदम उठा रही है।